सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में थाती गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ है, जिसमें सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। डॉक्टर रंजीत सिन्हा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत थाती धनारी में पहुंची, जहां गांव की प्रधान तनुजा चौहान ने उनका स्वागत किया और धनारी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। तनुजा चौहान ने धनपति और कालगड़ी में नदी के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा कार्य की मांग की, देवी धार में मोक्षा घाट पुनर्निर्माण सहित अन्य मांगों को रखा। समस्याओं को सुनने के बाद सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को इन कार्यों को सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच सचिव के समक्ष 3 साल पूर्व गांव के ब्रांच पोस्ट ऑफिस में हुए गबन के मामले को भी बताया गया, जिस पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कई तरह की समस्याएं आई हैं, जैसे आपदा में बरसात में लोगों खेत बह गए हैं, उसके लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण, लोगों का यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर उद्यानीकरण किया जाना है, खेतों को जो जंगली जानवरों से जो हानि क्षति हो रही है उसके संबंध में प्रस्ताव आया। हमने कई चीज़ें इसमें करी है। आज एक जो हमने निर्णय लिया है कि पूरे गांव को, पूरे थाती गांव का हॉर्टिकल्चर प्लान तैयार करेंगे, जिसमें हम कई चीज़ें रखेंगे। नदी से जो पानी कटाव होता है भूमि का, उसके लिए सुरक्षा दीवार एंड टू एंड, जितना हो जितना जहाँ ज़रूरत है वो करेंगे। दूसरा, जंगली जानवरों की क्षति होती है उसके लिए फेंसिंग, एज वेल एज पूरे गांव का हॉर्टिकल्चर को के रूप में किस तरह से डेवलप किया जाए। कुछ स्कूल के कुछ समस्याएं थी उसको देखा गया, रोड्स पानी उसको निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार और भी थे जिसमें कि आवास की कुछ दिक्कतें थी, आवास गिर गए हैं, आवास की नहीं है, आवास चाहिए उसके लिए उसकी समस्याएं, सबको देखा गया है। ये ऑल इन ऑल काफ़ी काम यहाँ इस गांव में किया गया है। जो कुछ गैप है उसको हमको पूरा करना।